वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फिफ्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड। फोर्थ चैप्टर जो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन में जो भी इफेक्ट दी जाती है लायबिलिटीज एंड असेट्स की, उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में इंफॉर्मेशन ले ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योर फिफ्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स री इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है वो एंड हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्जिस्ट करती है। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल एंड अदर कंडीशंस आर अग्रीड अपॉन। जब न्यू पार्टनर कोई भी बिजनेस में एंटर करता है तो उसमें उसकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो दो पार्टनर जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस दे इंट्रोड्यूस सम कैपिटल इनटू बिजनेस। सो व्हेन न्यू पार्टनर विल कम ही हैज टू गिव सम प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू द ओल्ड पार्टनर्स टू अर्न शेयर इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या करेगा, न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो उस कैपिटल का को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जिस फॉर्म में वो एंटर कर रहा है उस फॉर्म में, उस बिजनेस में। तो कितना कैपिटल लाना है उसके बारे में, देयर आफ्टर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब वो एंटर तो करता है लेकिन उसको कितना प्रॉफिट में शेयर देना है वो भी डिसाइड करना होता है। उसके बाद गुडविल, गुडविल उसको कितनी लेके आनी है एंड अदर कंडीशंस, जो भी बिजनेस फॉर्म के रिलेटेड कंडीशंस होती है वो सारी कंडीशंस को डिस्कस किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। द न्यू पार्टनर ऑन जॉइनिंग बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू हैव अ शेयर इन द असेट एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब भी वो एंटर करेगा बिजनेस में तो उसकी लायबिलिटी में भी उसका पार्ट आ जाएगा और फर्म के प्रॉफिट में भी उसका जो है पार्ट शेयर आ जाएगा। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट अ न्यू पार्टनर शैल नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस इट हैज बीन अग्रीड अदरवाइज बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर ओल्ड पार्टनर जो है वो एग्री नहीं करते तो न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंटर नहीं किया जा सकता। A new partner may be admitted in a continuing firm because of the following reasons. A new partner जो है वो business में admit कर सकता है because of these reasons. What are the reasons? Let's check out. First is when the continuing firm needs additional capital. When continuing firm जो है continuing business है, they need more capital, additional capital. जब भी उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो वो न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में कंसीडर कर सकता है, एंटर कर सकता है। व्हेन द कंटिन्यूइंग फर्म रिक्वायर्स एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी, उसके पास कैपिटल तो है, पार्टनर्स भी है, लेकिन एफिशिएंट पार्टनर जो है जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, ऐसे जो पार्टनर है उसकी लेट है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो न्यू पार्टनर को बिजनेस में ला सकते हैं। When any continuing partner retires or dies, अगर three partners से one partner retired, then they have to increase their ability, partner's ability, so they enter the new partner into old existing business firm. Fourth is when skilled and efficient employees of the firm need to continue in the firm, therefore he is admitted by the firm as a partner. अगर कोई भी business में ऐसा skilled person है, skilled employee है, efficient employee है, excellent employee है, तो उसको अपनी firm की capacity बढ़ाने के लिए, अपने firm की जो efficiency है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो जो skilled employee है उसको as a partner business में consider करके उसको वहीं पे fix कर देंगे।
नेक्स्ट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है तो दो पार्टनर अगर होंगे तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे ज्यादा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर दो से ज्यादा पार्टनर उस फॉर्म में हुए तो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में. The share of future profits which is the incoming partner receives is equal to the sacrifice of profit made by the existing partners of the firm. जो नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है वो कितना होगा ओल्ड पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसके इक्वल होगा. The new partner compensates the partner or partners who sacrifice their share in profit. The amount he pays against this sacrifice is called goodwill or premium for goodwill. The amount he pays against the sacrifice. अब समझ लो कि दो partners हैं. सबसे पहले तो वो अगर 1 lakh profit होता था तो 50,000 वो distribute कर देते थे. अब नया partner जो आ रहा है वो नया partner जो आएगा वो थोड़ी goodwill भी लेके आएगा और capital भी लेके आएगा. अब नया पार्टनर आएगा प्रॉफिट सपोज की 1 lakh ही है अब कितना आएगा 40 40 and 20 जिसको 50,000 मिल रहा था उसको अब मिल रहा है 40,000 तो 10,000 and 10,000 जो होगा वो दोनों को दो ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस. तो जब न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में तो वो गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है. जो भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट में से शेयर को दे रहे हैं नए पार्टनर को तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नया पार्टनर लेके आएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो. इसको बोलते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल. एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा. बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ही ऑल्सो ब्रिंग इन कैपिटल to get right in the future profit asset of the firm and bring goodwills to get the right in the profit. Amount of capital remains in the same firm while amount of goodwill is distributed among the old partners in their sacrifice ratio. जब भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में वो गुडविल भी लेके आएगा और कैपिटल भी लेके आएगा. गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रिमेन सेम इन द फर्म. अब उसकी इफेक्ट क्या होगी इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. फर्स्ट द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्जिस्टेंस. ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड न्यू पार्टनरशिप इन एक्जिस्टेंस. न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट गेट ड्यू. नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना है तो जो ओल्ड पार्टनर होगा उसका कंबाइंड शेयर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अब दो पार्टनर की जगह पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग थ्री पार्टनर. दैट्स व्हाई न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड एंड अक्वायर्स राइट ऑन द असेट ऑफ द फर्म. जो डिसाइडेड हुआ है अपनी कैपिटल उसको लेके आनी है चाहे वो कैश में लेके आए चाहे वो असेट में लेके आए किसी भी तरह से लेके आए लेकिन न्यू पार्टनर को बिजनेस में कैपिटल लेके आनी. बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व्स एंड लिक्विडिटी असेट्स अपीयरिंग इन द बुक फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो. जितनी भी रिजर्व्स है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या तो फिर लिक्विडिटी असेट है जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है उसकी ज्वाइनिंग डेट के दिन भी ये सारे रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी क्योंकि वो तो किसकी किसके उसका लेने का राइट किसको है ओल्ड पार्टनर्स को ही है क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने ही अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करके ये सारे रिजर्व जो है वो क्रिएट की हुई है. तो जब ओल्ड पार्टनरशिप डेट जो है वो खत्म हो रही है तो जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व बचे हुए हैं वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में. Assets and revaluated liabilities are reassessed and net changes in the adjusted in the old partner's capital account. जो liabilities and assets है वो अब दोबारा जो है वो revalue हो और सारे भी जो adjustment है वो old partners के बीच में distribute हो जाएंगे.
The goodwill of the firm is revalued and new partner contributes his share of goodwill in cash or kind and its accounting effect is given. Goodwill of the firm जो होती है वो भी revalued होगी और new partner जितनी भी goodwill कंपनी को देगा वो उसका शेयर जो है उसकी इफेक्ट दी जाएगी. Accounting effect is also given for maintaining agreed capital in the new firm amongst the old partners if decided in the new partnership agreement. अगर कितनी कैपिटल कंपनी को जो है वो मेंटेन करनी है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइडेड है तो उसकी भी इफेक्ट ली जाएगी. तो नए पार्टनर के आने से कितने चेंजेस ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में जो है वो होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में जो इफेक्ट दी जाती है उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन जरूरी है और कौन कौन से इफेक्ट देनी है, किसमें देनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में सिर्फ इतना. नेक्स्ट वीडियो में चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके सम कैलकुलेट करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.